ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित टाटा स्टील कंपनी का पूर्व कर्मचारी है, जिसने कंपनी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए अपनी ही कंपनी के मैनेजर के सीने में 5 गोली उतार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि वो इस कंपनी में पिछले 12 साल से खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहा था, लेकिन 4 महीने पहले उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। वीरेश पांडे नाम का ये कथित हत्यारा किस प्रकार से अपने प्लान के बारे में बता रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड सारा हक मेरे इंचार्ज में था, जब मैं 4 महीने पहले यहाँ जॉब में था, तो 4 महीने हो गए मुझे निकाल दिया। तो पिस्टल कहाँ छुपा के लेके गए थे तुम्हें? पिस्टल कहाँ छुपा के लेके गए? वो भी इसमें था कमर में। हाँ जी, तो फिर लेके जब भागे थे तो फिर हाथ में होगी तब तो भागते टाइम? नहीं नहीं, कमर में नहीं रखा, तब वापिस रख ली थी। कमर में रखा था, वो गेट में पहुँचा तो निकाला, फिर कमर में फिर डाल दिया। तो गेट से रोकने की कोशिश की किसी ने? नहीं, खड़े थे गार्ड, रोक नहीं पाए। सुनील बस को मारने के लिए ये अरिंदम पाल, सुनील बस ने मेरे से 18 मई मीटिंग की थी 4 घंटे तक हल्दीराम में, और उन्होंने मुझे बोला कि ये चक्रव्यूह है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी का कहना है कि उसे कंपनी से पिछले 4 महीने पहले सस्पेंड कर दिया गया था और कंपनी में उसे काफी टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें वारदात में ये था कि उसी का एक एक्स एम्प्लॉय था, उन्होंने कंपनी में घुस के सीनियर मैनेजर अरिंदम पाल सिंह जी की 5 गोलियां चला के हत्या कर दी थी। उसको हमने गिरफ्तार किया है, विश्वास पांडे नाम है, और उसको भी रिमांड पे लिया जाएगा, बाकी की पूछताछ उसको रिमांड के दौरान की जाएगी। हत्या की वजह क्या सामने आई है? हत्या की वजह हम बता रहा है कि इसको कंपनी से सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया था, क्योंकि शिफ्ट चेंज को लेके ये नाराज था अपने कंपनी मैनेजमेंट से। 2-3 लोगों को इन्होंने नाम बताए जिनसे कि ये परेशान था, और कहता है कि उन्होंने काफ़ी हरेशमेंट मैनेजमेंट मेरे साथ की है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉगिन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर